हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आर्ट लाइन में बिगिनर्स को सबसे बड़ी दिक्कत फेस के प्रोपोर्शन में आती है। कभी आज छोटी बड़ी बन जाती है, कभी नोज़, कभी लिप्स ओरिजिनल फ़ोटो के हिसाब से मेल नहीं खाते। आज इसी समस्या को हल करने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप कोई भी फ़ोटो चूज़ कर लें जो आपको फ़ोटो बनानी है। मैंने वरुण धवन की फ़ोटो चूज़ की है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकाल लिया। मैंने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट इसका निकाल लिया है A4 साइज का। और मुझे क्या करना है, एक स्केल, पेंसिल या पेन में इसको मैं पेन से ड्रॉ करूँगा इसकी ग्रिड, क्योंकि पेंसिल इस पर दिखाई नहीं देगी। और उसके बाद दूसरी ग्रिड, सेम इसी साइज की ग्रिड में इसी पर ड्रॉ करूँगा। मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर साइज की ग्रिड मैं यहाँ पर लूँगा। आप मेज़रमेंट बहुत अच्छी रखिएगा, क्योंकि अगर मेज़रमेंट थोड़ी गलत हो गई तो आपकी प्रोपोर्शंस में बहुत गलती हो जाएगी। यहाँ मैंने मार्किंग कर ली है इसकी, मैं 2 सेंटीमीटर गैप की, तो किसी के बीच में 2 सेंटीमीटर गैप, आप इस गैप का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, गलती हो जा सकती है। मैं भी लाइन ड्रॉ करूँगा। ध्यान से मार्किंग कर लें। अब सेम यही ग्राफ मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, सेम यही पेंसिल से करूँगा, लेकिन इस पर, ताकि हम बाद में उसको इरेज कर सकें। हमने 2 सेंटीमीटर गैप लिया था वहाँ पर, हम यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का ही गैप ले सकते हैं। अगर हम बड़े पेज पर, इससे ज़्यादा बड़े पेज पर बनाएं, तो हम इसको बड़ा करना चाहेंगे, उसी के हिसाब से हम उसको 3 सेंटीमीटर गैप लेंगे, हमारा इससे 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा है, हमारा अगर ड्राइंग बड़ी भी होगी तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेमिंग इसी की तरह करेंगे इसमें। यहाँ देख सकते हैं आप कि सारी ग्रिड जो बनानी थी वो बन चुकी हैं। थोड़ा शुरू कर मैं पहले इसके फेस के आउटलाइंस, जो बाहरी हिस्सा है उसको ड्रॉ करूँगा। इसकी कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। यानी 7th रो है आपकी, और ये 2nd कॉलम में, यानी मैं यहाँ से 7th एंड 2nd प्लेस। यहाँ से आप देखिए, पहले तो बीच का हिस्सा देखिए इसके, आप यहाँ गौर कर सकते हैं कि ये बीच से थोड़ा सा तो लेफ्ट में स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हम भी यहीं पर लेंगे, इसका हल्का सा बीच आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे, और हल्का सा लेफ्ट में जाकर इसको ड्रॉ करें, थोड़ा लेफ्ट की तरफ और ज़्यादा उठाते चलिए उसको, एक तरफ धीरे धीरे करके आप देखते जाइए और ड्रॉ करते जाइए, शेप मिलते जाइए। आप ये धीरे धीरे ग्रेजुअली सभी लाइंस को ड्रॉ कीजिए, आसानी से पहले आउटलाइन जो बाहरी फेस है, उनको ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम अंदर वर्क करेंगे आईज, नोज और लिप्स में। जिनको इन बॉक्सेस में भी अगर परेशानी आए अगर ड्रॉ करने में,
आपको आईज वगैरह ड्रॉ करने में अगर परेशानी आती है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो बॉक्सेज हैं इनके आप सब बॉक्सेज खींच सकते हैं, इन बॉक्स थोड़े थोड़े यानी इनसे छोटे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँगा, मैं यहाँ आईज नोज और लिप्स के ऊपर वाले बॉक्सेज की डायगोनल्स ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मुझे और ज़्यादा रेफरेंस लाइंस मिल सकें। ये काफ़ी डिटेलिंग वाले पार्ट हैं तो इनके लिए इन्हीं से चेहरा काफ़ी चेंज हो सकता है, पहचानने में आएगा, उसके लिए ड्रॉ करेंगे। सेम यही काम हम अपने दूसरे पेज पर भी करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको और ज़्यादा आसानी हो जाती है आईज़ ड्रॉ करने में, आईज़ वगैरह जितनी भी पोर्शन है आप यहाँ देख सकते हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम सभी रेफरेंस लाइंस का अच्छे से इस्तेमाल करके धीरे धीरे सभी वर्क करेंगे। मैंने यहाँ पर स्पीड बढ़ाई है इसकी थोड़ी, वीडियो आपको बहुत धीरे धीरे सावधानी से हर एक पॉइंट को देखकर ड्रॉ करनी आईज, तो काफ़ी अच्छी हमें आउटलाइंस मिल जाएंगी। स्केच के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है कि हमारी आईज नोज लिप्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोपोर्शन में हो फेस के हिसाब से, फेस बॉडी इस तरीके से पोर्ट्रेट है। तो हम इन लाइंस का इस्तेमाल करके हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं और सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस की और ज़रूरत होगी, इसको आप भरपूर तरीके से कर सकते हैं। जब हमारी आउटलाइंस बन जाएंगी तो हम शेडिंग करेंगे। एक बार की ड्रॉ की हुई लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप थोड़ा पीछे हटकर उसको थोड़ी देर बाद या कुछ गैप 5 मिनट रेस्ट लेने के बाद आप उसको देखें कि अगर उसमें कोई कमी है तो उसको सुधारें, उसके बाद आप अपना काम आगे बढ़ाएं। फ्रेंड्स, मैं इसकी सभी जो लाइंस हैं ग्राफिक लाइंस हैं वो सभी मिटा चुका हूँ। अब मैं इसमें शेडिंग करूँगा। शेडिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा 8B पेंसिल फॉर हेयर ड्राइंग एंड 4B पेंसिल फॉर अदर शेडिंग्स। लेट अस स्टार्ट। मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है ये, लेकिन मैंने यहाँ पर नॉर्मल पेंसिल्स का इस्तेमाल किया है इसमें, वरना मैं स्टेडलर्स का इस्तेमाल करता हूँ। ये सभी स्टेडलर्स हैं, इनके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसने नहीं देखी है वीडियो, आप देख लें। ये नॉर्मल पेंसिल्स हैं ये जिनसे मैंने बनाकर इसको ड्रॉ किया। ये स्टेडलर्स कहाँ मिलेंगी ये मैंने सब बताया हुआ है।